नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दीपेश गौर में, जहां पर हम बात करते हैं केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के सभी कल्याणकारी योजना ऑनलाइन व ऑफलाइन भर्तियों की। उसी संदर्भ में मैं आज आपको जानकारी देने वाले हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि लाडली बहना योजना की शुरुआत यहाँ पर मध्य प्रदेश सरकार ने की है। उसके फॉर्म भराने यहाँ पर कब से स्टार्ट होने वाले हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, फॉर्म कहाँ पर भराएंगे, पात्रता क्या रहेगी, यह सभी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से शेयर करूंगा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और आपसे भी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करें, ताकि आप सभी को वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके और जानकारी भी सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। यहाँ पर आप देख सकते हैं लाडली बहना योजना के आवेदन पत्र 5 मार्च से भरे जाएंगे। सॉरी, मैंने पहले 4 बोल दिया था, जबकि 5 मार्च है, ठीक है। लाडली बहना योजना के आवेदन पत्र 5 मार्च से भरे जाएंगे। योजना से महिलाओं को हर माह मिलेंगे 1000 रुपये। ये कहाँ की न्यूज़ है, यहाँ यह है रेवा मध्य प्रदेश की, ठीक है। रेवा मध्य प्रदेश में यहाँ पर हम पूरा पेपर आपको पढ़ के बताते थे। महिलाओं मध्य प्रदेश में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा 5 मार्च से लाडली बहना योजना शुरू की जा रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 5 मार्च को समारोह पूर्वक इस योजना का शुभारंभ करेंगे। इसी दिन से पात्र महिलाओं को आवेदन पत्र दर्ज करने की प्रक्रिया आरंभ हो जाएगी। सभी वर्ग की महिलाओं को इसी योजना के लिए पात्र हैं। जो महिला आयकरदाता हैं, आयकरदाता नहीं है, वही इस योजना के लिए पात्र है। जिस परिवार के पास कम से कम 5 एकड़ से कम जमीन है, उसकी भी सभी विवाहित तथा अविवाहित महिला योजना के लिए पात्र है। मतलब जिसके पास भी 5 एकड़ से कम जमीन है, उसके यहाँ पर विवाहित व अविवाहित महिला दोनों पात्र हैं। कॉलेज व स्कूल की नहीं होना चाहिए। आवेदक पत्र के साथ साथ समग्र ID, मूल निवासी प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक पासबुक की प्रथम पृष्ठ की फोटोकॉपी। केवल यहाँ पर डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे, ID कार्ड, मूल निवासी प्रमाण पत्र, आधार कार्ड और बैंक पासबुक की फोटोकॉपी, ठीक है। जिसमें बैंक खाता और IFSC कोड अंक होना दोनों आवश्यक है। आय प्रमाण पत्र के लिए स्वघोषित आय का घोषणा पत्र मान्य होगा, क्योंकि इसमें आय होना जरूरी है, ठीक है। 1 रुपये का जो प्रिंट निकला सकते हैं आप, 10 रुपये का 1 रुपये का फॉर्म भी मिलता है, वो भरकर आपको यहाँ पर देना है। प्रत्येक शहर तथा वार्डों में 5 मार्च से शिविर लगाए जाएंगे। इस योजना से पात्र महिलाओं को हर महीने 1000 रुपये की राशि उनके बैंक खाते में डाली जाएगी। प्रारंभिक तौर पर यह योजना 5 वर्षों की, ये योजना सिर्फ 5 वर्षों के लिए है। जैसे कि आप सभी को पता है कि डॉक्यूमेंट क्या क्या लाना है, पात्रता किसी दी जाएगी, ये सभी डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर तैयार रखना है। जैसे कि यहाँ पर आपको बताया गया कि समग्र ID, बैंक पासबुक, मूल निवासी प्रमाण पत्र फोटोकॉपी, आधार कार्ड की फोटोकॉपी, बैंक पासबुक की फोटोकॉपी और यहाँ पर आपको स्वघोषित आय, तो ये सभी आपको डॉक्यूमेंट तैयार करके रखना है। और जैसे ही यहाँ पर आगे की कोई अपडेट आती है तो यहाँ पर ज़रूर आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो लेकर आपके साथ जल्दी मिलेंगे। ऐसी नई अपडेट, नई जानकारी, नई इन्फॉर्मेशन, नई योजनाओं को जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दीपेश गोस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करें, ताकि आप सभी को वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। धन्यवाद।